अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अच्छा भाई, आज हम छोटा सा एक DIY का और या कह लें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हम अपने एक छोटे से एरिया को ट्रॉपिकल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लास्ट जो मेरी 1500 कटिंग्स वाली वीडियो थी, उसके अंदर मैंने छोटा सा हिंट भी दिया था कि मॉन्स्टेरा के मैंने कटिंग्स करके उनके जो प्लांट्स थे वो मैंने एक ज़मीन के अंदर जो है वो एक पोर्शन में ज़मीन में लगा दिए थे। उसी जगह पर जो है वो कुछ मज़ीद प्लांट्स भी जो है वो हम ऐड करने जा रहे हैं आज, और कुछ एरोइड्स हैं, कुछ डिफरेंट प्लांट्स हैं। वो खैर आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। ये बेसिकली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर तो ये कामयाब रहा तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सटेंड भी करेंगे और इसमें मज़ीद एरोइड्स और बाकी जो है वो प्लांट्स भी लगाएंगे। आपसे भी इसीलिए शेयर किया जा रहा है कि अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो आप भी इसको अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बातें ज़्यादा नहीं करते, चले देखते हैं आगे कि किस तरह से ये काम हो रहा है। चले स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, तो यहाँ पर हम जो है वो इस काम को करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने सिलेक्शन क्यों किया इस खास, इसकी क्या ऐसी बात है? ख़ास बात तो खैर इतनी कोई नहीं है, बट ये है कि यहाँ पर इसकी जो वॉल है आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी ख़राब हो चुकी है। दूसरा जो है वो एलिफेंट डेयर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके लीव का साइज़ भी और उसकी अपनी हाइट भी जो है वो काफ़ी माशाल्लाह बड़ी है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीपल प्लांट्स लगा देंगे तो उसका एक अच्छा ट्रॉपिकल लुक हमें देखने को मिलेगा। अब इसको किस तरह से कवर करना है और कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने जा रही है वो मैं आपको वन बाय बताता हूं, और उसको कैसे यूज करना है वो भी दिखाता हूं। मैंने यहां पर एक पेनाफ्लेक्स ले लिया है, और कोकोनट हस्क हमने जो है वो ले लिया है काफी सारी तादाद में। ग्लू हमारे पास मौजूद है, कुछ कील ले लिए मैंने स्टील के, साथ ही एक नायलॉन रॉप ले लिया गया है। ग्लू को सबसे पहले मैंने जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर पानी मिक्स कर दिया क्योंकि ये काफी गाढ़ा था, और इसको हमने अप्लाई करना है उस पेनाफ्लेक्स पे। आप पेनाफ्लेक्स वगैरह भी, पेनाफ्लेक्स तो खैर मेरे पास पड़ा हुआ था यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ज्यादा खर्चा नहीं किया। DIY के अंदर यही होता है कि आपके पास जो चीजें मौजूद होती है उन्हीं को आप अप्लाई करते हैं, उन्हीं को हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं, ये आप पेनाफ्लेक्स की जगह पर आप कोई भी प्लास्टिक कवर या प्लास्टिक शीट वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न यूज़ करने का ये है कि जो हम पानी वगैरह लगाते हैं तो हमारी दीवार ख़राब ना हो, इसीलिए ये जो है वो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए है। और इसके ऊपर जो है वो मैं इस तरह से ग्लू अप्लाई करके कोकोनट हस्क जो है वो उसके ऊपर लगाने जा रहा हूँ। कोको हस्क को यूज़ करने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत सारे प्लांट्स जिनकी एरियल रूट्स हैं उनको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, और जिस तरह से हम नर्सरी वगैरह के अंदर देखते हैं काफ़ी सारे प्लांट्स पोल के साथ अटैच होते हैं और उनके एरियल रूट्स उसके साथ अटैच होकर अच्छे से ग्रो कर रही होती हैं। तो यहाँ पर वॉल के ऊपर मैंने इसी तरह से जो है वो कुछ नीचे प्लांट्स लगाए हैं ताकि उनकी एरियल रूट्स इनके साथ अटैच हो जाएँ, एंड देन वो ऊपर की तरफ जो है वो क्लाइंब करना स्टार्ट कर दें और वो ऊपर जो है वो अच्छे से उसकी ग्रोथ होती रहे। और इस तरह से ज़्यादा एरियल रूट्स ग्रो करती हैं, वैसे ही प्लांट्स की जो लीफ का साइज़ होता है और वो जो उनकी ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ दोनों साइड्स के अंदर मैं इस तरह से 2-2 इंच के फासले पर जो है वो काफ़ी सारे मैं कील लगा रहा हूँ। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ इतना है कि इनको यूज़ करना है और इनके साथ मैंने अटैच करना है नायलॉन रॉप, ताकि इन कोको हस्क को मैंने जो ग्लू के साथ फिट किया है, कुछ अरसे बाद मुझे जो लग रहा है वो पानी बार बार लगने से ये निकल जाएगा और कोको हस्क जो है वो हो सकता है कि वो गिरना शुरू हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये नायलॉन रॉप यूज़ किया है, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पोल के ऊपर जो है वो अटैच हुआ हुआ होता है और उसके साथ वो फिट हुआ हुआ होता है कोको हस्क। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसकी अटैच किया है इसको, ताकि इसके अंदर जो है वो फिर मेरा जो भी कोको हस्क की उसके अंदर अरेंजमेंट करनी है वो मैं इसके अंदर जो है वो करता रहूँगा। और मल्टीपल जो है वो नायलॉन रॉप आपको मिल जाता है हार्डवेयर वगैरह वाली स्टोर से, तो आप उस स्टोर से जो है वो आप ले सकते हैं, या कोई भी आप स्ट्रिंग वगैरह जो भी है आप थ्रेड वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ख़ास आपने यही यूज़ करना है। तो इस तरह से पूरी वॉल पर जो है वो मैंने नायलॉन रॉप की अरेंजमेंट कर ली है। अब इसके अंदर जो है वो कोको हस्क हमने फिट करना है। अब देखें बहुत ही आसानी से इसके अंदर जो है वो ये टाइटली आपने जो है वो नायलॉन रॉप की अरेंजमेंट कर दी है, उसको टाइट से लगा दिया है, तो आपको बहुत ही आसानी से जो है वो ये अरेंजमेंट करनी होगी। आप बहुत इजीली जो है वो इसके अंदर जो है वो बस इस तरह से आप हस्क को जो है वो फिट करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपका ये काम बड़े अच्छे से हो जाएगा। पूरी वॉल पर इजीली जो है वो आप ये अटैच कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने पानी लगाया, पानी लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि ज़रा चेक करूँ कि इनकी अच्छे से फिटिंग हो चुकी है या नहीं, क्योंकि पानी लगने से इनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो जाता है, तो अगर कहीं से ये गिर गिर आ जाते तो मुझे पता चल जाता कि वहाँ पर मुझे मज़ीद फिटिंग करने की ज़रूरत थी। अब बारी है प्लांट्स की, तो ये प्लांट इस
उसका रोड माउंट हो चुका है मॉन्स्टेरा, जो अक्सर आप मेरी वीडियोस के बैकग्राउंड में देख रहे होते हैं। यहाँ से काफ़ी सारी मिट्टी मैंने निकाल ली है, इसकी जो है वो जगह बनाई है, एंड देन इसको मैंने अटैच किया है। इसके क्योंकि अंदर दो प्लांट्स थे तो एक मैंने जो है वो इसके ज़मीन में लगा दिया है, दूसरा जो है वो मैंने पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया जिसका साइज़ छोटा था। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था और इसकी एरियल रूट्स काफ़ी बड़ी थी, तो इसीलिए इसको जो है वो मैंने इस मिट्टी के अंदर ज़मीन के अंदर लगा दिया। और मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं इस वॉल के साथ अटैच कर दूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने इसकी जो है वो मिट्टी वगैरह डालकर इसको अच्छे से जो है वो पानी दे देना है, ताकि इसको जो है वो अच्छे ह्यूमिडिटी और ये पोल के साथ इसकी जो एरियल रूट्स अब नहीं ग्रो होंगी तो वहाँ पर जो है वो ये अटैच हो जाए। दो इसके लीफ थे जो बिल्कुल नीचे लग रहे थे इसके ज़मीन के साथ, तो वो ख़राब हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने उनको जो है वहाँ यहाँ से क्लियर कर दिया, ताकि जो भी ऊपर के लीफ हैं अब वो जान पकड़ें और अच्छे से जो है वो ग्रो करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने मॉन्स्टेरा फिट कर दिया है। मॉन्स्टेरा जो है वो हमने एक यहाँ पर लगा दिया है, एक जो है वो गमले में लगा दिया है, ताकि उसकी हम प्रोपेगेशन करेंगे और उसको जो है वो हम कहीं पर भी रख सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं। बहरहाल जो मेन बड़ा जिसके बड़े लीफ थे जिसका बड़ा साइज़ है उसको हमने जो है वो लगा दिया इसमें। बाकी यहाँ पर कुछ मल्टीपल सिंगोनियम लगा दिए हैं, फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील लगा दिया है, सेलम लगा दिया है जिसको ट्री फिलोडेंड्रॉन भी कहते हैं। ये एपिप्रेमनम अभी मैंने यहाँ पर पॉट के साथ ही रखा हुआ है, अभी इसको हम शिफ्ट नहीं कर रहे क्योंकि इसकी मैंने कुछ मज़ीद प्रूनिंग करनी है, मज़ीद प्रोपेगेशन करनी है, देन इसको जो है वो हम लगाएंगे। अब वॉल जो है वो हमारी थोड़ी सी खाली खाली है, तो वॉल पर जो है वो हम कुछ फर्न लगाएंगे, कुछ मज़ीद प्लांट्स लगाएंगे। अच्छा जी, अभी क्या करना है कि हमने इस वॉल पर जो है वो कुछ प्लांट्स लगाने हैं, तो मैंने इस तरह से डिस्पोजेबल कप के अंदर ये फर्न लगा दिया, और ताकि ये डिस्पोजेबल कप नज़र ना आए इसके लिए मैंने ये हस्क थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से रैप कर देना है। ये इस तरह से इसको रैप करके देन हमने इसको फिट कर देना है, जो हमने यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रिंग अपने लगाए हुए हैं यहाँ पर, जो मैंने उस दिन यूज़ किए थे, इसके साथ जो है वो हमने इस तरह से हमने अटैच कर देना है। तो यहाँ देखें, अब डिस्पोजेबल कप भी नहीं दिख रहा और हमारा प्लांट भी अटैच है और उसके अंदर इजीली आप पानी भी जो है वो डाल सकते हैं और उसकी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो ग्रो करेगा यहाँ पर। अच्छा जी, तो फाइनली सेटअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जगह पर मैंने लगा दिए हैं डिफरेंट प्लांट्स, सिंगोनियम लगा दिए हैं, फर्न लगा दिए हैं, सिंगोनियम के डिफरेंट कैटेगरी लगाई हैं, कुछ मनी प्लांट वगैरह, पोथोस वगैरह लगा दिए हैं, मार्बल कोइन लगा दिए हैं, और कुछ जगह मैंने छोड़ दिए हैं ताकि नेक्स्ट जो भी मैंने प्लांट्स वगैरह लगाने होंगे तो उनके लिए भी कुछ जो है वो जगह यहाँ पर मौजूद रहे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आइडिया कैसा लगा है आपको, आप इसको फॉलो करें, और कोई भी किसी भी चीज़ की आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं क्लोज़र इंटरेक्शन के लिए, वहाँ पर मैं अवेलेबल होता हूँ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।